तो गाइज आज मैं आपको ये गूगल में ये एक्चुअल कैमरा वाला सेक्शन होता है उसका यूज में बताने वाला हूँ एक्चुअली में क्या होता है ये। ओके गाइज बहुत लोग को ये नहीं पता होगा गूगल लेंस की एक्चुअल यूज कैसे करें। तो गाइज मैं आपको ये लेंस आपको दिख रहा है इमेज के फॉर्म में, ये कैमरा के फॉर्म में, इसका यूज एक्चुअल क्या है कि आप कोई भी अननोन सर्च की इमेज है उसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो, ये बंदा कौन है, किधर घर है, एक्चुअल इस पे अपलोड करने के बाद अब इसको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिटेल आप पा सकती हो इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। तो ठीक है एक ट्राई करते हैं, मैं करता हूँ। देखो ये लेंस की कमाल है, एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे ये बंदा कौन है। मैं जैसे मैं ये गूगल लेंस प्रोसेसिंग हो रहा है आप देख सकते हैं नीचे करेंगे तो लैरी पेज जिसने गूगल बनाया था मैं उसी को सर्च कर रहा हूँ गाइज। लैरी पेज एंड सर्च इमिन वी नो इज द फाउंडर ऑफ गूगल। तो ऐसे आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो गूगल पे गूगल लेंस के यूज करके, देख सकते हो इमेज अपलोड करके जिसके बारे में आपको जानना है पूरी डिटेल। आप बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरह से सर्च करते हो व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर, व्हाट डू मीन बाय एक्सेट्रा डॉट डॉट, और डिफिनेशन न मिलने के कारण से वो खोजते रहते स्वाइप करने लगते। तो अब मैं आपको सही सही तरीका से कैसे सर्च करें गूगल में सो आज मैं बताऊंगा। तो सिंपली अपना कुछ चीज़ का आप डिफिनेशन सर्च करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ डिफाइन लगा देना, डिफाइन जैसे इन्वायरमेंट। देखो सिंपली कुछ चीज़ का भी डिफिनेशन मीनिंग आप जानना चाहते हो तो देखो द सराउंडिंग और कंडीशन विच अ पर्सन एनिमल और फ्लावर लीव्स ऑपरेट, तो देख सकते हैं कितना शॉर्टकट डिफिनेशन है, जितनी होगी सब की सब चले आएगी ये रिलेटेड। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो मन करे तो सब्सक्राइब करना, वरना तो नहीं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा।